प्यारे बच्चों, हमने आपको होमवर्क असाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखते हुए मेरी कोशिश होगी मैं तेज तेज इन क्वेश्चंस को समझाते हुए आगे बढ़ूं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, आसिम बदर और सलीम ने पार्टनरशिप बनाई है और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि नीचे बताया हुआ है। आसिम 15,000 कैश ला रहा है और इक्विपमेंट ला रहा है 75,000। आसिम मालिक बनेगा 90,000 रुपीस का। बदर कैश ला रहा है 50,000 और मर्चेंडाइज कितने की ला रहा है ये पता नहीं चल रहा। तो मेरे पढ़े लिखे बच्चों ने कहा कि अगर आलिम नाम है, मैं सॉरी आसिम कह रहा था, आलिम अगर बिजनेस में 90,000 का मालिक बना और ये तीनों मालिक बनना चाहते हैं इक्वल अमाउंट के, दैट मीन्स कि बदर भी बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट करेगा 90,000। ही हैज ऑलरेडी ब्रिंग रुपीज 50,000 इन द शेप ऑफ कैश। नाउ ही विल ब्रिंग मर्चेंडाइज बाय रुपीज 40,000 टू मेक हिज इन्वेस्टमेंट रुपीज 90,000। सलीम मशीनरी लेकर आया है 80,000 और बैलेंस लेकर आया है कैश। तो अगर वो मशीनरी 80,000 की लाया तो वो भी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा सलीम? 90,000। दैट मीन्स 10,000 सलीम भाई लेकर आए हैं क्या? कैश। अगर हमने ये तीनों बातें सुन ली है तो करना क्या था सवाल में? एंट्रीज बनानी थी जर्नल में और बैलेंस शीट बनानी थी क्लासिफाइड फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म की। आइए जरा देखते हैं हमारे साथ, ये जो कासिम ने काम करके दिखाया है मैं वही काम दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग देखें इत्मीनान से। आलिम ने सबसे पहले, इन्होंने आलिम की इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है 15,000, ऑफिस इक्विपमेंट 75 और टोटल कैपिटल 90,000। फिर इन्होंने इसी को बेस बनाते हुए बदर का कैश 50,000 लिखकर 40,000 की मर्चेंडाइज लिखी। इस तरह इन्होंने बदर का कैपिटल भी प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद इन्होंने सलीम के कैपिटल में कैश 10,000 लिखा हुआ है, मशीनरी 80,000। तो यहाँ तक काम बिल्कुल ठीक, काम भी इनका चेक होता जा रहा है। इस तरह मैं रैंडम काम यहाँ सेलेक्ट करके स्क्रीन पे भी शो कर दिया करूंगा और अपने पास अलग से बैठ के चेक भी कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कैश ऑफिस इक्विपमेंट दोनों डेबिट हुए, आलिम लेकर आया था उसके कैपिटल में इजाफा हो गया, नरेशन भी प्रॉपर लिखी है, बेहतरीन काम किया है माशाल्लाह, जबरदस्त। मेरा मशवरा है तो मैं एक मशवरा अगर दे दूं, और अगर आप बुरा ना माने तो दे देता हूं, और अगर बुरा मानेंगे तो भाई टीचर की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। अच्छा जी, रेडमी कह रही है बैलेंस शीट तो बनानी नहीं आती है तो कैसे बनेगी? वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहले तो मुझे ये बताएं कि कल आप क्लास में थी या थे, यही नहीं पता ना मुझे तो कि रेडमी थी या था। मैंने आपको बोला था अपना नाम प्रॉपर कर लें, आप लोगों की समझ में नहीं आता उर्दू जबान। अगर आप क्लास में थी तो बेटा कल मैंने बैलेंस शीट आपसे डिस्कस नहीं की, आपको एक सॉल्व बैलेंस शीट नहीं दिखाई थी मैंने, बताइए। नेटवर्क का कनेक्शन था, प्रॉब्लम था नेटवर्क में, तो आपने वीडियो देखना गवारा की? मेरा बच्चा आपने वीडियो देखी? पहले ये बताओ मुझे, मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी ना, ईमेल भी कर दी थी सब लोगों को, आपके पास आपके जीमेल पे एक ईमेल आई है, वहां से वो वीडियो चलेगी। और अगर वहां से नहीं चलाना चाहती तो आप जो है गूगल क्लासरूम से जाके चला लें, लेकिन ईमेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए जो आप लोगों ने हमें प्रोवाइड की है। आपने वो वीडियो देखी दोबारा? तो मेरा बच्चा आप मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? अगर लाइट नहीं थी तो इसमें सर इमरान का तो कोई कसूर नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब आप आज देख लेना, आज वीडियो देख के और फिर आप ये काम कर लेना, यही हल हो सकता है ना, हल तो मिलजुल के निकालेंगे। चलें, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैश मर्चेंडाइज और बदर कैपिटल 50, 40, 90। इसके बाद कैश और मशीनरी और सलीम कैपिटल 90,000। ओके मेरे बच्चों, तीनों एंट्री बना दी है कासिम साहब ने, ये कासिम ने काम किया है सारा माशाल्लाह और इन्होंने एंट्रीज बना दी हैं। अब मैं कहता हूँ सवाल का दूसरा रिक्वायर्ड आपको याद है क्या था? सवाल का दूसरा रिक्वायर्ड था क्या बनानी थी? बैलेंस शीट। देखिए, ये इन्होंने बैलेंस शीट बनाई हुई है, बैलेंस शीट में इन्होंने सबसे पहले प्रेजेंट किए हैं एसेट्स, एसेट में इन्होंने क्या प्रेजेंट किए हैं? करंट एसेट्स। ठीक है, मुझे फॉर्मेट से जरा बराबर भी एतराज नहीं है, फॉर्मेट बेहतरीन है। अगर आपको समझ आ रहा है आप इस तरह का फॉर्मेट फॉलो कर लें, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा और ना ही करूंगा। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट इन्होंने बनाया, हाफ पेज पे इन्होंने बैलेंस यहाँ लिखा है,
और अगला पेज जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको शीट लिखा नजर आएगा, ये अगले पेज की पिक्चर है। इन्होंने आमने सामने दो पेजेस पर पैरेलल बैलेंस शीट बनाई है। एक साइड पे इन्होंने दिखाए हैं सारे बिजनेस के एसेट्स, दूसरी साइड पे इन्होंने दिखाए हैं बिजनेस के लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, अच्छा रेड में अगर आप अभी लेक्चर सुन रही हैं गौर से तो अभी ध्यान से सुनती रहें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अभी भी अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। ओके मेरा बच्चा, एसेट्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक करंट एसेट और दूसरा नॉन करंट। तो सबसे पहले इन्होंने करंट एसेट लिखा है। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आया? जो एंट्रीज में सबसे पहले आया, सबसे पहले एंट्रीज में क्या आया मेरा बच्चा? कैश। कितना? 15,000। तो क्या आंखें बंद करके जल्दी से लिख दूं? नहीं। क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि कैश सिर्फ एक बार नहीं आया नजर, कैश एक से ज्यादा बार नजर आया। एक बार कैश 15,000 से डेबिट हुआ, एक बार कैश 50,000 से डेबिट हुआ और एक बार कैश 10,000। तो 10, 50, 60,000 और ये 15, 75,000 कैश की अमाउंट बन गई। अगर आपके पास अच्छा सा जापानी कैलकुलेटर है, आप इन सारी अमाउंट्स को प्लस करें, इंशाल्लाह आपका जवाब 75,000 रुपीस बनेगा। और आप देखिए कासिम भाई ने किस खूबसूरती से कैश 75,000 रुपीस लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है अगला एसेट कौन सा, एंट्री में जाके देखें। कैश के बाद वैसे नाम क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्या है? नॉन करंट एसेट। मैं ढूंढ रहा हूँ करंट, तो मैंने कहा इसको अभी लेफ्ट करता हूँ। अलीम कैपिटल तो वैसे भी कैपिटल है, ये बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे आएगा। फिर मैं आता हूँ, कहता हूँ कैश दोबारा नजर आ गया, तो क्या दोबारा कैश लिखूं? नहीं, मैं ऑलरेडी इसे प्लस कर चुका हूँ, मैंने इसे इग्नोर किया। फिर मैंने कहा मर्चेंडाइज हमारा करंट एसेट होती है। मर्चेंडाइज हमारा क्या होती है? करंट एसेट। कितनी लिखी है? 40,000 और मर्चेंडाइज नजर नहीं आ रही। बस तो 40,000 देखो लिखी हुई है कासिम भाई ने। 75 और 40 को इन्होंने प्लस किया, इस तरह इन्हें टोटल करंट एसेट पता चल गया। आप देख सकते हैं 1,15,000। किसी को कोई एतराज हो तो वो बेफिक्र होकर पूछ सकता है। 1,15,000 के करंट एसेट आ गए। अब फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट के हेडिंग सर क्यों? क्योंकि और कोई करंट एसेट एंट्रीज में नजर नहीं आ रहा। अब क्या क्या नजर आ रहा है चेक कर लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट नजर आ रहा है, ये दोनों करंट एसेट थे, और मशीनरी। फिर क्या रहा हूं, क्या क्या नजर आ रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट 75 और मशीनरी 80। ये देखो दोनों लिखे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट 75, मशीनरी 80। इन्होंने इन दोनों को प्लस किया, ये इन्होंने क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाई है। क्लासिफाइड का मतलब इन्होंने क्लासिफाई मुख्तसर मुख्तलिफ हिस्सों में बांट के दिखाया है। ये चाहते सारे एसेट एक साथ लिख सकते थे और आखिर में सबको एक साथ प्लस करते, लेकिन पहले इन्होंने करंट एसेट लिखे उनका टोटल दिखाया, फिर इन्होंने नॉन करंट एसेट लिखे उनका टोटल दिखाया, और फिर इन्होंने करंट के 1,15,000 और इस अमाउंट दोनों को प्लस कर दिया 1,55,000 को। तो इनके पास जवाब आ गया 2,70,000 रुपीस टोटल एसेट्स। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस शीट की एक साइड कंप्लीट हो गई। इसके बाद कासिम भाई ने लायबिलिटीज और कैपिटल लिखने का फैसला किया। जाके ऊपर इन्होंने देखा सॉल्यूशन में, कहा यार लायबिलिटी कहाँ पाई जाती है, जवाब दे सकते हैं आप लोग मुझे? लायबिलिटी किस तरफ रिकॉर्ड होती है आमतौर पर? लायबिलिटी किस साइड पे रिकॉर्ड होती है, आप जवाब दे सकते हैं मुझे? साइड्स पता है ना आपको? थैंक यू सो मच अक्सा, थैंक यू SH 175, नूर तालिब 249। जो जवाब देता जा रहा है भाई उसका शुक्रिया अदा करता जा रहा हूँ। बाकी जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर ही तमीज से नहीं पढ़ी, मेरा ख्याल है वो फर्स्ट ईयर ही पढ़ लें, क्योंकि सेकंड ईयर में तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे रिजल्ट खराब हो जाएगा। और आपको तो ये बात सबको पता ही है कि अब आप सेकंड ईयर में जो परसेंटेज लेंगे वही फर्स्ट ईयर में काउंट होगी। तो अब आप बिल्कुल भी रिस्क ना लें। आप अगर बस समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है यार ऑनलाइन पढ़ाई ऐसी होती है, तो ऐसे नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे घर पर बैठ के पढ़ें, चाहे कोचिंग आके पढ़ें, विदाउट हार्ड वर्क आपको कभी भी कुछ कोई चीज़ पे नहीं करती। हमेशा हमारी सख्त मेहनत हमें पे करती है। ओके नहीं जनाब, मैं ये कह रहा हूँ NZ81, मैंने ये नहीं पूछा कि लायबिलिटी जो है वो कहाँ लिखते हैं, यानी बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा सवाल गौर से सुने, मैंने कहा लायबिलिटीज कौन सी साइड पे होती हैं। NZ81 क्या आप ये बता सकते हैं कितनी साइड होती हैं अकाउंटिंग में? दो ही साइड होती हैं भाई, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे होती है हमेशा। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है और आप समझ रहे हैं, या फिर आप समझे हुए थे और आप रिकॉल कर रहे हैं और आपको चीज़ें याद आ रही हैं कि अरे हाँ यार लायबिलिटी तो क्रेडिट साइड पे होती है। तो मैं क्रेडिट में देखता हूँ तो मुझे बदर कैपिटल नज़र आता है,
मैं क्रेडिट में देखता हूं तो मुझे सलीम कैपिटल नजर आता है, और मैं क्रेडिट में देखता हूं तो मुझे अलीम कैपिटल नजर आता है, मुझे तो कहीं भी कोई लायबिलिटी अकाउंट नजर ही नहीं आया। तो मैंने कहा इसका मतलब है क्योंकि अभी नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आप देखिए कासिम भाई ने किस खूबसूरती से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को प्रेजेंट नहीं किया। हेडिंग जरूर डाली, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब लायबिलिटी नहीं है तो उन्होंने नहीं लिखा। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डाली है। आप इसे ओनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं, और कासिम भाई गौर से सुनिएगा, आप इसे पार्टनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, पार्टनर्स इक्विटी, पार्टनर्स का हिस्सा। ओनर्स इक्विटी गलत नहीं है, अगर गलत होता तो मैं कहता इसको कट कर दें, इसको पार्टनर्स इक्विटी भी कहते हैं। आप याद रखेंगे तो आगे आने वाले सवालों में जब बैलेंस शीट बनी हुई आएगी और उसमें लिखा होगा पार्टनर्स इक्विटी, तो उस वक्त आप ये नहीं बोलेंगे ये क्या होती है, उस वक्त आप ये बोलेंगे कि सर इमरान हमें ये पहले ही बता चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाह रहा। ओनर इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, पार्टनर्स इक्विटी। लेकिन कब, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे हो। अगर हम सिंगल ओनर बिजनेस की बात करेंगे तो वहां तो ओनर इक्विटी ही होती है, सही है, लेकिन पार्टनर्स इक्विटी पार्टनरशिप में लिखा जाता है, आप यहाँ ओनर्स इक्विटी लिख सकते हैं। और कितने ओनर है बिजनेस के, आलिम, बदर और सलीम, तीनों 90,000 रुपए के मालिक हैं, तीनों का कैपिटल 270,000 बना। इस तरह बैलेंस शीट की दोनों साइड अगर आप देखें, ये भी 270,000 शो कर रही है, आमने सामने काम किया हुआ है। ये वाली साइड हमें इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि मुझे कासिम ने आधी पिक्चर इसकी भेजी है और आधी पिक्चर ये है जो कि ऊपर है। अगर आप गौर से देखें तो इनका काम बिल्कुल आमने सामने है, ये और ये लाइन इनके रजिस्ट्रा में आमने सामने, अगर आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हो तो। ये दोनों टोटल आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते वो सुन लें, दोनों साइडों का टोटल पैरेलल लाइन में होगा। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, बिल्कुल एक लाइन में। और यहाँ देख रहे हैं आप, एक दो तीन चार ये लाइनें छूटी हुई हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों छोड़ी है कासिम ने ये लाइनें, पता है आपको, क्योंकि मैंने इनको रूल बताया, इन्होंने फर्स्ट ईयर में पहले से रूल पढ़ा कि टोटल हमेशा आमने सामने होगा, टोटल हमेशा पैरेलल लाइन में होगा। और इन्होंने मेरे लेक्चर को भी कल सुना और बैलेंस शीट बनी हुई भी देखी थी, वहां पे भी टोटल आमने सामने हो रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, काफी देर लग गई लेकिन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव की जाने। क्वेश्चन नंबर फाइव में खालिद अल्ताफ और तारिक ने पार्टनरशिप बनाई है April 1, 1999 को, दे कंट्रीब्यूटेड एज अंडर। खालिद ने कंट्रीब्यूट किया है 1,15,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन 85,000 एंड फर्नीचर ₹30,000। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, मुझे पता है मुश्किल तब आती है स्टूडेंट्स को जब वो इसे समझने में मिस्टेक करते हैं। ये सवाल मुश्किल नहीं है, मैं फिर बड़े अदब से कह रहा हूँ, ये सवाल आसान है, तो फिर सर मसला क्या है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं ये सवाल। क्योंकि हमारे स्टूडेंट की अंग्रेजी ज़रा हाई फाई और वाई फाई किस्म की होती है, हाई फाई भी होती है और थोड़ी सी वाई फाई भी होती है। तो वो क्या करता है, वो समझता है कि खालिद 1,15,000 रुपए का ला रहा है कंप्यूटर, और फोटो स्टेट मशीन ला रहा है 85,000 की, और फर्नीचर ला रहा है 30,000 का। सुना आपने मैंने क्या कहा, दोबारा कह देता हूँ, जिनकी अंग्रेजी जरा हाई फाई और वाई फाई टाइप की है, वो कहते हैं खालिद 1,15,000 रुपए का ला रहा है कंप्यूटर, और फोटो स्टेट मशीन ला रहा है 85,000 की, और फर्नीचर ला रहा है 30,000 का। इसी तरह वो कहते हैं अल्ताफ भाई लेकर आ रहे हैं 90,000 रुपए का टाइपराइटर, 18,000 का फर्नीचर, 10,000 की मर्चेंडाइज और 20,000 रुपए की मशीनरी, और फिर बाद में सोचते हैं ये 42,000 किस चीज के। तो जिन लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। अब हमें नहीं पता कासिम ने कैसा काम किया, हम तो लाइव चेक कर रहे हैं आपके सामने काम, तो मैं इसको सही पढ़कर जल्दी से बात आगे बढ़ाऊंगा। आपसे बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है, कैलकुलेटर अगर हाथ में मौजूद है, क्योंकि आप मोबाइल में तो देख रहे हैं वीडियो, तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो जरा निकालें और देखिए। कह रहा है खालिद कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये कि इस सवाल में डेट दी हुई है कि ये पार्टनरशिप किस दिन बन रही है, तो डेट के कॉलम में आज 1999 भी लिखोगे, अप्रैल 1 भी लिखोगे, और दो बार एंट्री बनाओगे और दोनों में डेट सेम होगी। ओके, अब खालिद कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,15,000, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं 1,15,000 रुपए वो कैश ला रहा है या 1,15,000 का कंप्यूटर, तो ऐसा नहीं है। अंग्रेजी पढ़ो, खालिद कंट्रीब्यूटेड 1,15,000 इन द शेप, खालिद 1,15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वो 1,15,000 किस शक्ल में ला रहा है, इन द शेप ऑफ, उसके लाने की शक्ल क्या है 1,15,000, क्या वो 1,15,000 कैश ला रहा है, क्या वो 1,15,000 का कंप्यूटर ला रहा है, क्या वो 1,15,000 की फोटोस्टेट मशीन ला रहा है, नहीं। वो 1,15,000 रुपए का क्या क्या लेकर आ रहा है तो काइंडली गौर से देखिएगा, वो लेकर आ रहा है कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन। नजर आ रहा है आपको मेरा कर्सर, क्या क्या लेकर आ रहा है, कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन, ये दो चीजें लेकर आ रहा है वो। और इन दोनों को किस नाम से पुकारते हैं अकाउंटिंग में, जवाब लिख के भेजें,
कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन को अकाउंटिंग में किस नाम से हम पुकारते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताएं मुझे। शाबाश, कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन को हम अकाउंटिंग में किस नाम से कॉल करते हैं। एक्सीलेंट, बस मुझे सही जवाब मिल गया तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसको कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। खुश रहिए, जजाकुमुल्ला। ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा है खालिद 85,000 रुपीज का। 85,000 कैलकुलेटर में लिखे हैं। और लेकर आ रहा है फर्नीचर, और फर्नीचर को फर्नीचर ही कहते हैं। कितने का? 30,000 रुपए का। 85 और 30 को प्लस करें, आप देखेंगे 1,15,000 बनेगा। तो आज वो 1,15,000 कैश नहीं ला रहा, वो 1,15,000 रुपए ला रहा है दो चीजों की शक्ल में, एक कंप्यूटर और फोटो स्टेट मशीन जिसे हम नाम देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, और दूसरा ला रहा है फर्नीचर 30,000 रुपीज का। तो मेरा ख्याल है कि आपको पहली एंट्री क्लियर हो चुकी है कि खालिद भाई कितने के मालिक बनेंगे बिजनेस में, 1,15,000 रुपए के। अगर मेरा कर्सर घूमता हुआ नजर आ रहा है तो खालिद भाई मालिक बनेंगे बिजनेस में कितने के? 1,15,000 रुपए के। और क्या क्या चीजें बिजनेस में आएंगी? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा 85,000 से, फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा 30,000 से। दो चीजें डेबिट हो जाएंगी और अल खालिद का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,15,000 से। आइए अल्ताफ भाई की बात कर लेते हैं। वैसे तो अब अल्ताफ भाई वाला दौर रहा नहीं, लेकिन फिर भी अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई, अल्ताफ कंट्रीब्यूटेड 90,000 इन द शेप ऑफ टाइपराइटर। अब कोई ये ना समझे कि अल्ताफ भाई ने 90,000 रुपए लगाए टाइपराइटर की शक्ल में। नहीं, 90,000 रुपए टाइपराइटर की शक्ल में नहीं, अल्ताफ भाई ने 90,000 रुपए बिजनेस में लगाए। अब ये 90,000 किस शक्ल में लगाए? इन द शेप ऑफ टाइपराइटर। टाइपराइटर लगाया कितने का? 18,000 रुपए का। सही है, और जिनकी अंग्रेजी जरा अच्छी है वो ये कॉमा पढ़ के समझ जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब है 18,000 का टाइपराइटर लगाया। सही है, और फर्नीचर लगाया 10,000 का, और मर्चेंडाइज लगाई 20,000 की। सही है। अच्छा तस्नीम, आप ये करना कि आप जो है, सही है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप इसी तरह करना जैसे कासिम ने किया। ठीक है, चलो ओके। अच्छा जी, और मर्चेंडाइज लेकर आया 20,000 रुपए की अल्ताफ भाई, और मशीनरी लेकर आया 42। कैलकुलेटर चलाने वाले मुझे बताएं, 18 + 10 = 28, 28 + 20 = 48, 48 + 42 = 90,000 बन गया अल्ताफ भाई का हिस्सा। और तारिक कंट्रीब्यूट कर रहा है शॉप बिल्डिंग 1,20,000 रुपए। अगर आप मेरे साथ क्लास में हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब एंट्री देखने का वक्त है, आखिरी 7 मिनट हमारे पास बचे हैं, आप गौर से लेक्चर को सुनिएगा। इसके बाद अगर आपने ये दो लाइनें पढ़ी हैं तो आपने फजूल काम किया, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है ये दो लाइनें पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने किया है या कासिम भाई ने ये काम किया तो मैं इस पर एतराज नहीं करने वाला, लेकिन मैं अपने बच्चों को आसान से आसान तरीन काम बताऊंगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई सबसे पहले बिजनेस में कौन आया? सबसे पहले बिजनेस में तशरीफ लेकर आए खालिद भाई, और सबसे पहले आया इक्विपमेंट और फर्नीचर। आइए एंट्री देखते हैं जो हमारे मोहतरम कासिम भाई ने बनाई है, और फिर उसको डिस्कस करते हैं। कासिम भाई की एंट्री पहली, सवाल लिखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा कासिम भाई सवाल नहीं लिखा करेंगे। कासिम आपने सुन लिया था ना, आइंदा क्वेश्चन ना लिखें, डायरेक्ट काम करें बस। अच्छा, इन्होंने, इन दोनों को टोटल किया है, इक्विपमेंट खालिद का 2,30,000, तो इन्होंने यकीनन, मेरा ख्याल है मिस्टेक कर दी, मुझे लग रहा है 1,15 और 85 2,00,000 कर दिया, और फर्नीचर 30,000 का कर दिया। तो अब आप खुद बताइए कि कासिम भाई ने ये काम ठीक किया हुआ है, देख के बताएं। अब आप थोड़ी देर के लिए चेकर बन जाइए, बताइए क्या कासिम भाई ने ये काम ठीक किया है। ओके, किसी की गलती निकालनी हो ना तो फौरन चैंपियन बन जाते हैं, है ना, जबरदस्त। इसमें तो मजा ही अलग आता है ना इंसान को, किसी की गलती निकालनी हो। अपने गिरेबान में कभी नहीं झांके हैं, और क्या झांकना क्या, अबे काम किया हुआ होगा तो झांकोगे ना, काम ही नहीं किया हुआ मेरे खूबसूरत बच्चों ने तो झांकना कैसा। तो सही है, कासिम भाई की फिर जो है ना क्वेश्चन की फिर लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि कासिम भाई ने की हुई है मिस्टेक, और कासिम भाई ने क्या मिस्टेक किया, आइए मैं चेक करवाता हूँ। कैलकुलेटर है ना आपके हाथ में, दीवार पे जोर से मारे जवाब निकलेगा, भागने लगेगा, पकड़ लीजिएगा जवाब को। बेटे खालिद ने कंट्रीब्यूट किए 1,15,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटो स्टेट 85,000। अपना कासिम भाई ने हमारे, यानी जो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने 115 और 85 को प्लस कर दिया, और वो समझे कि 115 और 85 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और फर्नीचर 30,000 रुपए का। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे 2,00,000 और 30,000 लिखा हुआ।
तो ये मिस्टेक है। बाकी सब लोग क्लास में क्या सस्ती वाली कोई नशा करके सो रहे हैं, उनका कोई जवाब ववाब नहीं आता, उन्हें मेरी बात समझ आ रही है, कोई यस नो लिख देता है इंसान। 3 बच्चों का जवाब आया है मुझे सिर्फ, SH-175, SH-169 और फरजाम शेख का, बस। बाकी किसी का कुछ पता ही नहीं है, बेचारे बस ऐसे कोई सस्ता नशा करके बैठे रहते हैं क्लास में। भाई आपको ये समझ आ रहा है कि कासिम ने यहाँ मिस्टेक की हुई है? तो आप लोग इक्विपमेंट कितने से डेबिट करोगे? अब हर बच्चा लिख के भेजे मुझे। जी शुक्रिया, आपने बताया अजमीर भाई, जजाक अल्लाह, खुश रहिए। अब आप एक काम करें ना, बस आप मुझे ये मत बताएं यस सर समझ आ रहा है। अब मैं नाम लेता जाता हूँ, आप मुझे नाम लेते जाता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी लिख के भेजते हैं कि इक्विपमेंट कितने रुपए से डेबिट होगा। सबसे पहले लिख के भेजें SH-175 के इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा पहली एंट्री में, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बिल्कुल। शुक्रिया, एक्सीलेंट, SH-175 ने जवाब दे दिया। अक्षा कितने से होगा डेबिट? अस्का कितने से डेबिट होगा? लिख लिख के भेजते जाएं मुझे सब, मैं नाम देख रहा हूं सबके। अजमीर जवाब दे चुके हैं मेरा ख्याल है, सही है अक्षा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ अजमीर साहब, वैसे आपके पास अजमीर साहब बुक नहीं है? अगर मैं यहाँ क्वेश्चन और सॉल्यूशन ही दिखाता रहा तो मैंने तो पढ़ा लिया। सर प्लीज बुक परचेज कर लें, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ये देख लें, खालिद ने कंट्रीब्यूट किया 1,15,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटो स्टेट मशीन 85,000। इब्राहिम आपका शुक्रिया। फरजाम ने जवाब नहीं दिया मुझे अभी तक। NZ-129 का आंसर नहीं आया, NZ-81 का आंसर नहीं आया, जल्दी भेजें मुझे। रेडमी का आंसर नहीं आया, SH-249 का आंसर नहीं आया, मेरे पास आ गया SH-249 ने 1,15,000 का। मेरा बेटा, मेरा सवाल तो सुन लो मेरा बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एंट्री में इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा, इक्विपमेंट, सवाल तो सुना करो, मैंने कहा इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा मेरा बच्चा। जो पहली एंट्री बनाओगे जिसमें खालिद चीजें लेकर आ रहा है, उसमें इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा? SH-249 ने, 281 ने जवाब दे दिया, शुक्रिया, सही जवाब है आपका। इब्राहिम ने जवाब दे दिया, 209 का जवाब नहीं आया, रेडमी का जवाब नहीं आया, NZ-81 का, रेडमी का जवाब आ गया, फरजाम का जवाब आ गया, NZ-81 का नहीं आया, 129 का जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है जनाब, आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो फिर आपको चाहिए कि आप टीचर या क्लास चेंज करें। SH-313 का जवाब आ चुका है, थैंक यू सो मच। सोहरियास का जवाब आ चुका है मेरे पास, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी बात समझने में कामयाब हो गए और आप समझ गए कि क्या मिस्टेक है। तो अब मुझे मुझे पूरा भरोसा है आप सब से कि अब आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके इसकी पिक्चर गूगल क्लासरूम में अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। SH-175 मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए, आप लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि एंट्री जो बनाओगे उसमें खालिद जो बिजनेस में इक्विपमेंट लाएगा वो कितने से लिखोगे? वो 85,000 से लिखेंगे। आप क्यों हीरो हीरोइन बन रहे हैं, 85 में प्लस कर रहे हैं 30,000, 1,15,000 मुझे बताए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि खालिद बिजनेस में इक्विपमेंट कितने रुपए का लाएगा, इक्विपमेंट कितने से डेबिट होगा, तो इसका सिंपल आंसर है 85,000। और दूसरी चीज का डेबिट होगी फर्नीचर, फर्नीचर कितने से डेबिट होगा, 30,000। तो अब पहली एंट्री समाप्त फरमाएं, इक्विपमेंट डेबिट 85,000, फर्नीचर डेबिट 30,000, और खालिद का कैपिटल क्रेडिट होगा कितने से, जल्दी जल्दी सब लिख के भेजें। खालिद कैपिटल क्रेडिट होगा कितने से, जल्दी जल्दी सब लिख के भेजें, आखिरी मिनट है। खालिद का कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? शाबाश फरजाम, शाबाश इब्राहिम, शाबाश SH-175, 169, 249, Aska, 281, अक्सा, जिन जिन के नाम ले रहा हूँ उनका इसका मतलब है करेक्ट आंसर है। सोहरियाज, वेरी गुड। बाकी लोगों को मेरा ख्याल है अभी मैसेज टाइप करना नहीं आता, वो उस उम्र के हिस्से में नहीं पहुंचे जहां पे किसी को मैसेज टाइप करके भेजा जाता है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपके पास भी ऐसा कभी कोई सिलसिला बनेगा जब आपको मैसेज टाइप करने की तमीज आई जाएगी, आपको चैट में लिखना आ जाएगा। तो शुक्रिया, 1,15,000 से कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मेरा ख्याल है आज के लिए क्वेश्चन 5 पे रोकता हूँ। आप तीनों की एंट्री सही बनाना और फिर बैलेंस शीट भी बनाना और इसको भी पोस्ट करना और क्वेश्चन 8 पे जरूर कोशिश करना। अब क्वेश्चन 8 आप लोग अटेम्प्ट करना तो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह क्वेश्चन 8 और हो सकता है मैं मजीद होमवर्क पोस्ट करूं गूगल क्लासरूम पे, फिर कह रहा हूं हो सकता है मैं मजीद होमवर्क पोस्ट करूं गूगल क्लासरूम पे, जो आसान सवाल होंगे ऐसे ही मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप उन्हें कर लेना। ठीक है, क्लास किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, मेरी तरफ